अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी दोस्तों, आज मैं देख ले ये लेके जा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे रोटियों के टुकड़े, क्योंकि यार आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसकी वजह से ना खेतों में जाना जो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये घर से ही ले लेते हैं जो बचे कुचे होते हैं ना रोटियों के टुकड़े, तो ये ले लेते हैं तो इससे गुजारा हो जाता है। और कुछ देर के लिए इन जानवरों को बाहर भी छोड़ देते हैं ज़मीन के अंदर, और ज़मीन से ये कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो खा लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये दो दिन पहले बारिश हुई थी तो उसकी वजह से देख लिए खरगोश जो थे वो बारिश के अंदर नहाए, तो जो उनके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी हुई थी ना वो सारी ख़त्म हो गई है। और ये देख लें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। साथ ही ये हमारी दो चकोर भी हैं, ये देख ले ये दोनों चकोर हमने रखी हुई हैं। यार ना ये लेकर आए थे एक नर और एक मादा, लेकिन ये दो नर ही निकल आए, तो ये दोनों अंडिया देती हैं लेकिन बच्चे वगैरह नहीं निकालती। और साथ ही ये खरगोश थे कुछ, क्योंकि यार ना ये खरगोश अब ना बच्चे नहीं निकाल रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे निकालते हैं तो बच्चे मर जाते हैं, तो इसलिए ना ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे निकालते हैं। इन्होंने पिछले दिनों में काफ़ी बच्चे निकाले थे लेकिन वो सब मर गए गर्मी की वजह से, तो अब ये कुछ दिन बाद और बच्चे निकाल लेंगे। तो ये नए बच्चे लेकर आए हैं मुर्गियों के, देख लीजिए ना अपने घर के अंदर नहीं जा रहे, बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि घर के अंदर ही चले जाएँ ये, तो ये घर के अंदर नहीं जा रहे, जाते हैं एक जाता दो निकल आते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से इनको अंदर इनको ले कर जाते हैं। तो देख लो यार ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये कुछ ही दिनों के अंदर अंडे देने लग जाएंगे, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो अच्छा जी दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर लाजमी करें।